कुछ इस तरह का कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसे ईएसपी में लगाया जाता है, ईएसपी इंटरनल में। और इसके साथ में क्या कुछ काम हो रहा है वो आपको मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये जो आप लगा हुआ देख रहे हो, इसे यू गाइड बोलते हैं। और इसके अंदर में ये रिपीट लगी हुई है। इसे इसलिए लगाया जाता है ना कि जब इसके अंदर में दूसरा प्लेट जाएगा, दूसरा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जाएगा, तो मूव नहीं होगा रनिंग कंडीशन में, वो फिक्स रहेगा इसके अंदर में। ये फर्स्ट वाला हो गया या थर्ड वाला मान सकते हो, उसके बाद ये सेकंड वाला, मिडिल पोजीशन वाला, उसके बाद एक फर्स्ट वाला वहाँ। तो इस तरह से तीन पोजीशन में लगाए जाते हैं। और उसके बाद इसी के ऊपर में वेल्डिंग हो रही है ताकि ये टूट ना जाए। रिपीट की ताकत कम होती है ना, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो इस यू गाइड की स्ट्रेंथनिंग के लिए इसके ऊपर वेल्डिंग की जा रही है इस तरफ में, देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर मिलती है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पावर प्लांट से रिलेटेड। इस वक्त मैं CSPGCL के प्लांट में हूं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड किस तरह का होता है और उसे लगाने से पहले, असेंबल करने से पहले ESP इंटरनल में क्या कुछ करना पड़ता है, किस तरह की एक्टिविटी होती है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे, सो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, ये है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो इसे ही कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इसे ESP इंटरनल में लगाया जाता है। किस तरह से लगाया जाता है वो सब कुछ आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। बात करें इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की लेंथ की, तो इसकी लेंथ अप्रोक्स 15 से 16 मीटर के आसपास होती है। आप वीडियो में देख के अंदाजा लगा सकते हो। ये इसका बॉटम एंड है, मतलब कि बॉटम पोजीशन, और यहाँ से इसकी लेंथ की शुरुआत होती है। तो देखो वो बिल्कुल आगे तक, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 15 से 16 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है। और इस एक बॉक्स में टोटल 40 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, और एक दूसरा भी बॉक्स आता है जिसमें 30 इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब कि 30 और 40 के दो बॉक्स आते हैं। किसी किसी पावर प्लांट में 30 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का बॉक्स होता है और किसी पावर प्लांट में 40 का होता है। इस वक्त मैं अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट के अंदर हूँ, और यहाँ पर जो बॉक्स आया है, और यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं ये 40 के हैं, मतलब कि 40 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड एक बॉक्स के अंदर में है। और अभी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रही है वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। और आज से ही इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का इरेक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारा काम हो चुका है, वो सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, क्या काम होता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगाने से पहले। इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को लगाने से पहले, इरेक्शन करने से पहले सपोर्ट बीम को लगाया जाता है, उसके बाद कलेक्टिंग फ्रेम, इमिटिंग फ्रेम, वर्टिकल बॉक्स, उसके अलावा इमिटिंग का जो सपोर्ट बीम होता है वो लगाते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, बहुत सारा काम होता है। उसके बाद इस कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को असेंबल किया जाता है। अभी तो काम की शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग के दो फील्ड में हमारा इरेक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है, और हमें तो टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी टॉपिक को कवर करूं। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग के दो फील्ड में हमारा इरेक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें बता रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि हर एक टॉपिक को कवर करूं। प्रिपरेशन वर्क कैसे होता है, किस तरह से काम को मोबिलाइज किया जाता है, किस तरह से इरेक्शन होगा, किस तरह से चीज़ों को असेंबल किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल पर मिलेंगी। सो आप चैनल से जुड़े रहना। अभी सिर्फ दो फील्ड का इरेक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, अभी हमें टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है, और इस काम को करने में बहुत टाइम लगेगा, 8-9 महीने, 10 महीने या 1 साल भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है प्लांट के मैनेजमेंट के ऊपर। सो गाइज, ये देखो कुछ इस तरह का कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसे ESP में लगाया जाता है, ESP इंटरनल में। और इसके साथ में क्या कुछ काम हो रहा है वो आपको मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये जो आप लगा हुआ देख रहे हो, इसे यू गाइड बोलते हैं। और इसके अंदर में ये रिपीट लगी हुई है। ये रिपीट किस तरह से होती है वो भी आप अभी थोड़ी देर में देखोगे किस तरह से इसे लगाया गया है। तो इसे तीन स्टेप में लगाया जाता है। ये बीच वाला है, मिडिल पोजीशन वाला, ये बॉटम साइड वाला देख लो, ये फर्स्ट या इसे आप थर्ड मान सकते हो, एक यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह से सभी प्लेट में लगाया जाएगा, ये कलेक्टिंग प्लेट बोलो या कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड बोलो, तो सभी में इस तरह से यू गाइड लगाया जाता है। इसे इसलिए लगाया जाता है ना कि जब इसके अंदर में दूसरा प्लेट जाएगा, दूसरा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जाएगा, तो मूव नहीं होगा रनिंग कंडीशन में, वो फिक्स रहेगा इसके अंदर में। फिर थर्ड इसके जाएगा, फिर फोर्थ जाएगा, ऐसे करके एक एक करके आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, इसीलिए इस यू गाइड को लगाया जाता है।
ताकि सारी चीजें सेंटर में रहे। जो भी यू गाइड लगता है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है सभी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में। ये फर्स्ट वाला हो गया या थर्ड वाला मान सकते हो, उसके बाद ये सेकंड वाला मिडिल पोजीशन वाला, उसके बाद एक फर्स्ट वाला वहाँ। तो इस तरह से तीन पोजीशन में लगाए जाते हैं और उसके बाद इसी के ऊपर में वेल्डिंग हो रही है ताकि ये टूट ना जाए। रिपीट की ताकत कम होती है ना, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो इस यू गाइड की स्ट्रेंथनिंग के लिए इसके ऊपर वेल्डिंग की जा रही है। इस तरफ में देखो, नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, एक झटके में मारो पूरा। हाँ, बीच में रुकोगे तो टूटेगा नहीं सही से, इसलिए एक बार झटका मारो पूरा तो टूट जाएगा। बीच में पहले मारना है। हाँ सेंटर में मारो पहले। एक एक मारते जाओ, लगाते जाओ। ताकत से करो, झटका मारोगे तब वो टूटेगा। बस देख रहे हो कैसे हो रहा है ना, ऐसे ही मारना है।